Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहसिन, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सचेंज। मैं हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, टेक्नो ने लॉन्च कर दिया है कैमन सीरीज के एक और न्यू सक्सेसर कैमन 16 प्रीमियर को। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी पाकिस्तान के मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है क्योंकि कैमन 16 प्रीमियर अपने साथ काफी ज्यादा तबाही स्पेसिफिकेशन को लेके आए, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस स्मार्टफोन को लेकर। और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कैसा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि इस बार कैमन सीरीज के इस 16 प्रीमियर के अंदर आप लोगों को कैमरास अपग्रेड देखने को मिल चुके हैं, चिपसेट को अपग्रेड कर दिया गया है, डिजाइन को अपग्रेड कर दी गया है, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये एक बजट किंग बजट बी स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि टेक्नो वालों ने जितने भी स्मार्टफोन अभी तक पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किए हैं वो मिडिल सेगमेंट के अंदर ही लॉन्च किया है। तो देखते हैं कि क्या ये स्मार्टफोन भी एक मिडिल सेगमेंट के अंदर लॉन्च होता है, और अगर ये स्मार्टफोन मिडिल सेगमेंट की मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक गेमिंग किलर, कैमरा किलर, बजट रेंज किलर डिवाइस होने वाली है। तो स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और आप लोगों को साथ ही साथ कैमन 16 प्रीमियर की ऑफिशियल फर्स्ट लुक भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों को वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन चिपकेगा उसे दबाकर जरूर पे कर लीजिएगा। कैमन 16 प्रीमियर का डिस्प्ले अपने साथ लाया है 6.9 इंच की आईपीएस एलसीडी वाली स्क्रीन। यहां पर भी स्क्रीन का डिजाइन जो है आप लोगों को डुअल पंच होल वाला देखने को मिल रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप लोगों को रिसेंटली इन्फिनिक्स 08 के अंदर देखने को मिला है। तो कैमन 16 प्रो के अंदर भी कुछ वैसा ही काम किया गया है जैसा कि आप लोगों को इन्फिनिक्स 08 के अंदर देखने को मिल चुका है इससे पहले। बाय द वे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आपके जरूर चेक आउट कर लीजिएगा। तो कैमन सीरीज का भी पहला सा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आप लोगों को फ्रंट साइड पे दो सेल्फी कैमरास मिलने वाले हैं। स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आप लोगों को फुल एचडी प्लस 1080p की स्क्रीन रेजोल्यूशन दी गई है, और इंटरेस्टिंग बात इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की है कि यहां पे भी आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, और आप लोगों को यहां पे HDR 10 प्लस की भी सपोर्ट दी गई है। फोन की साइड पे आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, और यहां पे दिए गए आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। बैक का डिजाइन देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, काफी डिसेंट किस्म का डिजाइन रखा गया है, बैक काफी शाइनी है इस स्मार्टफोन की। यहां पे एक चीज मुझे काफी ज्यादा एनॉय लगी वो थी इसके कैमराज, यहां पे कैमराज जो है वो काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसको मेरे ख्याल से थोड़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए थी। कैमरा स्पेसिफिकेशन में आप लोगों को यहां पे क्वाड कैमराज मिल रहे हैं, जहां पे एक कैमरा दिया गया है 64 मेगापिक्सल के वाइड का, दूसरा कैमरा दिया गया एक 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड का, तीसरा कैमरा प्रोवाइड किया गया है 2 मेगापिक्सल के डेडिकेटेड वीडियो कैमरे का, और फोर्थ कैमरा यहां पे लगाया गया है 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर का। फ्रंट साइड पे आप लोगों को सेल्फी मिल रही है 48 मेगापिक्सल की, और साथ ही कॉम्बिनेशन रखा गया है 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरे का। तो यहां पे आपने देखा कि कैमरा स्पेसिफिकेशन भी काफी ज्यादा अपग्रेड कर चुकी है इस स्मार्टफोन की, एक 20 स्पेसिफिकेशन मिल रही है आप लोगों को। यहां पे एक चीज मिसिंग देखने को मिली वो थी 2 मेगापिक्सल के मैक्रो का, पर फाइनली कैमन सीरीज के अंदर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल चुका है, और फ्रंट साइड की सेल्फी भी 48 मेगापिक्सल की हो चुकी है। तो कैमरा स्मार्टफोन जो लोग चाह रहे हैं ना वो तो इस पर पूरी तरह फिदा होने वाले हैं ना, क्योंकि यहां पे आप लोगों को फ्रंट साइड पे 48 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है। इससे भी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग बात जो कि किसी भी स्मार्टफोन के अंदर जान डाल देती है वो होता है इसका चिपसेट, और यहां पे चिपसेट को भी अपग्रेड कर दिया गया, और लगाया गया यहां पे मीडियाटेक का हीलियो G90T का चिपसेट, और इससे पहले कैमन सीरीज के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आप लोग को इतना हायर एंड चिपसेट देखने को नहीं मिला। ये चिपसेट वही है जो कि आपको रियलमी 6 के अंदर देखने को मिल गया, रेडमी 9 के अंदर देखने को मिल गया, इन्फिनिक्स 08 के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, और अब फाइनली कैमन 16 प्रीमियर के अंदर भी आप लोगों को मीडियाटेक का हीलियो G90T का चिपसेट दे दिया गया है। ये चिपसेट एक 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। सीपीयू यहां पे आपको ऑक्टा कोर मिल जाता है, जीपीयू आप लोगों को यहां पे मिलता है माली का G76, एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स, और यहां पे आप लोगों को टेक्नो की यूआई HIOX6 मिल जाती है। यहां पे आपको बैक साइड के कैमरा से अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों को 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड मिल जाती है, और फ्रंट साइड के कैमरे से 1080 पे आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं तो आप लोग इस स्मार्टफोन के कैमरा से इजीली कर सकते हैं। स्मार्टफोन के अगर रैम और रोम की वेरिएंट की बात करें तो आप लोगों को 8GB की रैम दी गई है, और साथ इसके साथ कॉम्बिनेशन रखा गया है 128GB स्टोरेज का। इससे पहले 6GB रैम तक तो आप लोगों को इन्फिनिक्स कंपनी के नोट 7 मिल गए थे, और टेक्नो जो है इन्फिनिक्स का सब ब्रांड है, तो फाइनली यहां पे टेक्नो वाले ने भी 8GB रैम वाला स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवा दिया। कैमन इससे पहले 15 प्रो के अंदर आप लोगों को 628 मिल रही थी, और अब आपको मिल रही
गया है 8 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज। स्टोरेज टाइप के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे टाइप यहाँ पे जो है स्टोरेज से EMMIC की यूज की जाएगी। UFS मेरे ख्याल से नहीं लगाई क्योंकि उससे जो स्मार्टफोन की प्राइस है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। स्मार्टफोन के अंदर आपको दी गई है बैटरी 4500 mAh की, काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि स्मार्टफोन के साथ आप लोगों को चार्जर दिया गया है 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर। चाहते तो 18 वोल्ट का भी लगा सकते थे, चाहते तो 20 वोल्ट का भी लगा सकते थे, पर दिया गया यहाँ पे आप लोगों को 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर, जो कि काफी ज्यादा अप्रिशिएटेबल बात। और यहाँ पे अप्रिशिएट बनता है कि यहाँ पे टेक्नो ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। और आप लोगों को दी गई है टाइप सी की पोर्ट, तो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है टेक्नो कैमन 16 पेमर की। और मुझे तो इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। अब अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस भी मुझे इंप्रेस कर देती है ना, तो यार मैं तो टेक्नो वालों का फैन हो जाऊंगा कि उन्होंने पाकिस्तानी यूजर्स के लिए कुछ सोचा। फाइनली कोई ऐसी कंपनी आई जिन्होंने पाकिस्तानी यूजर्स के लिए सोचा। आप लोगों को क्या लगता है स्मार्टफोन की एग्जैक्ट राइट प्राइस टैग क्या होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अंदाजे के मुताबिक तो 35,000 से 38,000 सुनने में आ रहे हैं, पर ये स्मार्टफोन अगर 35,000 में आ जाता है ना, तो यार एक बजट 20 बजट रेंज किलर स्मार्टफोन होना है। बजट रेंज किलर का मतलब होता है आप लोगों को प्राइस टैग के अंदर जो स्मार्टफोन होता है कोई और कंपनी ना कैमरा इतने अच्छे प्रोवाइड कर रही होती है, ना आप लोगों को इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रही होती है, ना इतना बेहतरीन चिपसेट प्रोवाइड होती है। तो ओवरऑल वो अपनी रेंज के अंदर एक मिड रेंज किलर डिवाइस बनती है। तो मुझे तो लग रहा है ये एक मिड रेंज किलर डिवाइस बनने वाली है। आप लोगों को लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो ही स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होगा आप लोगों को इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो भी इस चैनल पर जरूर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, मुझे ज्यादा दें, मैं हूं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।